हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, यदि हम लोग देखें तो आईटी स्टूडेंट्स के पास में काफ़ी कम डिपार्टमेंट बचे हैं जहां पर परमानेंट वैकेंसी आ रही है। इस सिचुएशन को आप लोग भली भांति समझ पा रहे हो और फील कर पा रहे हो, क्योंकि जितनी भी पीएसयू जॉब थी वहां पर कहीं ना कहीं टेन्योर बेसिस वैकेंसी हम लोगों की ओपन हो रही है। अब ऐसी सिचुएशन में हमारे पास में मेन डिपार्टमेंट बचता है इसरो, या फिर डीआरडीओ की वैकेंसी आए या रेलवे की वैकेंसी आए, केवल इन्हीं डिपार्टमेंट में परमानेंट वैकेंसी देखने को मिल रही है। और अभी फिलहाल के केस में यूआर राव सैटेलाइट सेंटर की तरफ से वैकेंसी आई है, यूआरएससी की वैकेंसी आई है। इस वीडियो में हम लोग यूआरएससी के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस कर रहे होंगे, और ये आप लोगों को मैं भरोसा दिलाना चाहूंगा, यदि जो गाइड मैं आप लोगों को कर रहा हूं इसरो के लिए स्पेशली, आप उन चीजों को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हो तो डेफिनेटली आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। बिकॉज 2016 से मैं आप लोगों को स्टडी करा रहा हूं, और इसरो का ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसको मैंने YouTube पर आप लोगों के साथ में डिस्कस ना किया हो। तो उस कंप्लीट अपनी एनालिसिस के आधार पर या एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों के साथ में कुछ चीजें मैं डिस्कस करूंगा, यदि आप लोग फॉलो करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें, यूआरएससी का एडवर्टाइजमेंट हम लोगों का चल रहा है, 10 फरवरी से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है और 3 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं टेक्नीशियन बी पोस्ट में या फिर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट में, आप लोग अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। अब यहां पर हम लोग चलते हैं, या इन्होंने एक शॉर्ट जो है हम लोगों को बताया है। यदि हम लोग टेक्नीशियन बी की बात करें, ड्राफ्टमैन बी की बात करें या टेक्नीशियन असिस्टेंट की बात करें, इनका एक एग्जाम पैटर्न बताया हुआ है। यहां पे कुछ गाइड किया है, जैसे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, उसके लिए कितना समय आप लोगों को मिल रहा होगा, निगेटिव मार्किंग आपकी क्या होगी, स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा, लेकिन हम लोग डिटेल में डिस्कस यहां से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले सारी चीजों को समझिएगा, हम लोग गाइस डिस्कस कर रहे हैं इसरो के सिलेबस के बारे में, और यहां पर कंप्लीट सिलेबस हम लोग देखने वाले हैं 2024 का। यहां पर सबसे पहले आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, इस वीडियो में मैं आईटीआई स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूंगा, यानी कि टेक्नीशियन बी पोस्ट की स्पेशल बात कर रहा हूंगा। यदि हम लोग सिलेबस की बात करें तो यहां पर सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं, जिससे कि सारी चीजें क्लियर हों। यदि हम लोग यूआरएससी की बात करें, स्पेशली उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में बोला है कि हम लोग आपके क्वेश्चन पेपर में 80 प्रश्न पूछ रहे होंगे, तो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है उसमें आपसे पूछे जा रहे होंगे टोटल कितने क्वेश्चन, 80 प्रश्न पूछे जा रहे होंगे, और इन 80 प्रश्न को हल करने के लिए आपको कितना समय मिल रहा होगा, 90 मिनट का समय मिल रहा होगा, यानी कि 1.5 घंटे का समय आपके पास में होगा। क्या ये सफिशियंट है 80 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट, क्योंकि 1 क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है? बिल्कुल सफिशियंट है। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी यानी कि टेक्निकल के रहेंगे, और टेक्निकल क्वेश्चन को हल करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला, क्योंकि यदि आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है, आपको उसके बारे में नॉलेज है, तो आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को पढ़ोगे और उसका करेक्ट आंसर दोगे। लेकिन यदि आपका वो टॉपिक ही क्लियर नहीं है, आप क्वेश्चन को रिलेवेंट ही नहीं है, यानी कि आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो, फंडामेंटल क्लियर नहीं है, तो वहां पे उस क्वेश्चन का आप लोग आंसर नहीं दे पाओगे, स्किप करके आगे बढ़ोगे। तो समय बहुत ज्यादा यहां पे कंज्यूम नहीं होता है, स्पेशली यदि हम लोग इसरो के क्वेश्चन पेपर की बात करें। लेकिन यहां पर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन आने हैं, जर्नल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन, जर्नल साइंस के भी क्वेश्चन आने हैं, तो वहां पे थोड़ा सा हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो है हमारा क्या जाता है, समय जाता है, तो उस चीज को भी हम लोग देख रहे होंगे। अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, यहां पे यदि 80 क्वेश्चन की हम लोग बात करें, तो स्पेशली यहां पर यदि हम लोग 80 क्वेश्चन को देखें, तो यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, इन 80 क्वेश्चन में से 70-80% क्वेश्चन, 70-80% क्वेश्चन का मतलब क्या है, जैसे कि टोटल 80 प्रश्न है, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि 60 प्रश्न यानी कि 60 क्वेश्चन आप लोगों के ट्रेड थ्योरी से पूछे जा रहे होंगे। यानी कि यदि आप लोगों ने इलेक्ट्रीशियन से अप्लाई किया है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन होंगे, यदि आप लोगों ने फिटर से अप्लाई किया है तो फिटर ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन होंगे, यदि आप लोग टर्नर ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो तो टर्नर ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन होंगे। अच्छा, उसके अलावा यदि हम लोग 10% क्वेश्चन देखें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे। अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा,
ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है ये 10th स्टैंडर्ड लेवल के रहेंगे, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आने हैं तो आप लोग एसएससी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यूट्यूब पर जा रहे हो, जो मैथमेटिक्स के बड़े बड़े चैनल हैं आप उनको फॉलो कर रहे हो, वहां से आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपको पढ़ना है एक्चुअल में बेसिक चीजें। 10th स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आएंगे, कॉमन क्वेश्चन आएंगे, केवल टॉपिक क्लियर है, बेसिक क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हो, टॉपिक को समझ पा रहे हो, तो आप यहां पर 10 क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे मैं टॉपिक बताऊंगा, केवल आप उन टॉपिक में मास्टरी हासिल कर लेते हो तो मैं वादा करता हूं कि ये 10 प्रश्न आप लोगों के करेक्ट हो जाएंगे, कोई भी इतना डिफिकल्ट एक्चुअल में है नहीं है। केवल यहां पर क्या है ना, इसरो के सिलेबस को समझना बेहद जरूरी है। और एक और स्पेशल चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, जनरली हर डिपार्टमेंट का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा अलग चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं, जैसे कि स्पेशली हमारा बीएआरसी का पेपर हुआ, स्पेशली मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा था कि निमी क्वेश्चन बैंक आप लोग रट लो भैया, वहां से क्वेश्चन आएगा, नहीं समझ में आ रहा, यूट्यूब पर मैंने पूरी सीरीज जो है आप लोगों के लिए चलाई, तो वहां से एज इट इज क्वेश्चन फंसा। लेकिन इसरो में यह गलती नहीं करना कि सर ने पहले बोल दिया, यहां पर भी वही चीजें रिपीट होने वाले हैं, जी नहीं, इसरो के क्वेश्चन पेपर को आप एनालाइज करोगे तो वहां पर एक चीज पाओगे कि ये प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन की तरफ ज्यादा फोकस करता है। जैसे कि प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन का मतलब क्या है, जैसे कि काफी सारे मशीनिंग ऑपरेशन, यदि हम लोग बात करें फिटर में जाएं, टर्नर में जाएं, मशीनिस्ट में जाएं, तो वहां पर वो मशीनिंग ऑपरेशन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। जैसे कि यदि लेथ मशीन की बात करें तो हम लोग टैपर टर्निंग कर रहे हैं, टेलीस्टॉक को ऐसे ऑफसेट किया तो छोटा डाया किधर बनेगा, बड़ा डाया किधर बनेगा, या कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन में किस प्रकार का डिफॉल्ट आ जाएगा, फीड रेट हमारी ये है, कटिंग स्पीड, तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली इसरो जो है देता है, और हम लोगों को प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और ये वही स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को करेक्ट कर पाता है जिसका फंडामेंटल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि फंडामेंटल अपना बेहतर करके चलें और प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा जो है हम लोग देख पा रहे होंगे। उसके लिए स्पेशली यदि मैं आप लोगों को रिकमेंड करूं, स्पेशली एक सीरीज जो है यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज, जिसमें 33 वीडियो है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप YouTube पर जाओगे, स्पेशल टेक्नो प्लेलिस्ट में जाओगे, इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वहां से यदि उस सीरीज को आप लोग कंप्लीट देख ले तो ओनली 33 वीडियो है और हर वीडियो एक घंटे के आसपास का होगा, यानी कि 33 आवर्स भी आप लोग दे दे तो आपको इतनी क्लियरिटी आ जाएगी कि इसरो के एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको वो चीज अवेयर होगी कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, समझ रहे हो। अब यदि हम लोग आगे देखें, यदि हम लोग नेक्स्ट यहां पर देखें तो नेक्स्ट 10% क्वेश्चन जो आते हैं वो जनरल साइंस से आते हैं। इन दोनों के टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देख रहे होंगे, केवल उन टॉपिक को भी आप लोग कवर कर लेते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग करेक्ट कर पा रहे होंगे, क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा हमने एक स्ट्रक्चर समझ लिया कि हमारा यूआरएससी का जो पेपर होने वाला है वो बेसिकली किस प्रकार रहने वाला है, कितने क्वेश्चन होंगे, कितना समय मिलेगा, इन क्वेश्चन में से कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो हमको एक चीज समझ में आई कि मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन हमारे ट्रेड थ्योरी से होंगे, उसके अलावा दो पार्ट और हैं हमारे पास में, कौन से, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, उसके अलावा जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे। जनरल साइंस में भी थोड़ा सा फोकस करिएगा, कुछ स्पेशल टॉपिक है, केवल वहीं से वो क्वेश्चन देता है। अब यहां पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, सबसे पहले जनरल साइंस के टॉपिक को, ध्यान रखिएगा कोई भी ट्रेड का पेपर दे रहे हो सेम ये क्वेश्चन रहते हैं, आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, लगभग सेम टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। ये जनरल साइंस के टॉपिक जो है वो आप लोगों का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से क्लियरली उठा के देता है, आप निश्चिंत होकर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की बुक से स्टडी कर सकते हो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि हम लोग स्पेशली इसरो के लिए बात करें, आप यदि यहां से कर रहे हो टॉपिक की बात करें, सिस्टम ऑफ यूनिट, मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस आपके थ्योरी में भी आ जाएगा, मास वेट एंड डेंसिटी, फोर्स स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क पावर एंड एनर्जी, लीवर एंड सिंपल मशीन्स, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगे, मशीन की दक्षता वगैरह से, लीवर से, टाइप्स ऑफ लीवर से, फुलकम लीवर, पावर आर्म लीवर, वेट आर्म लीवर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्वेश्चन, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण से रिलेटेड क्वेश्चन, एंड
कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर से रिलेटेड, हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से रिलेटेड, ये सारे के सारे जो टॉपिक देख रहे हो वो आपकी बुक वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो आईटीआई की बुक है वहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ये आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि क्या है ना, टेक्निकल हर कोई पढ़ रहा है, टेक्निकल के तो आप लोग करेक्ट कर ही रहे होंगे, वहां पर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अनादर पार्ट के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमको आना है मेरिट में, तो इस चीज का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। उसके यदि हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहां पे आगे की चीजें यदि हम लोग समझे तो यहां पे यदि हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, क्योंकि यहां से भी लगभग 10 प्रश्न हम लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। बहुत ज्यादा टॉपिक मैं नहीं बता रहा हूं कि आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पूरा टॉपिक बता दिया कि भैया आप करते रहो, वहां से तो क्वेश्चन आ ही जाएंगे, लेकिन लिमिटेड सिलेक्टेड टॉपिक बता रहा हूं जिसकी प्रायोरिटी आप लोगों को फर्स्ट रखना है। और जो 10 प्रश्न आ रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूं कि 10 के 10 प्रश्न मैक्सिमम चांसेस में इन टॉपिक से देखने को मिल जाते हैं। एक आध प्रश्न इधर उधर जाएगा तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो आप लोगों का सिंपल रहेगा तो बना भी सकते हो। सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंसुरेशन, मेंसुरेशन आपका करेक्ट है, क्लियर है, जिसमें एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ट्रायंगल प्रॉब्लम हो गई, सॉलिड्स के भी पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, उसका आयतन हो गया, ये सब चीज आप यदि अच्छे से कर रहे हो तो इसरो के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 10 प्रश्न में से 4 क्वेश्चन आपने पक्के कर लिए। क्या बोल रहा हूं, 4 प्रश्न आपके पक्के हो गए। आप जब वीडियो खत्म हो जाइए जाके कोई भी क्वेश्चन पेपर को उठा के देखना, एक बार नजर उस पर डालना कि भाई वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 प्रश्न लगभग देता है, कोई भी सेंटर वहां पे वो कहां से क्वेश्चन देता है, आपको मेंसुरेशन सबसे टॉप पर मिल जाएगा, ये चीज ध्यान रखिए, और आगे भी मिलेगा। आप लोग अभी एसडीएससी सार का पेपर देने जा रहे हो ना, वहां पर भी मिलेगा, आप यूआरएससी का पेपर देने जा रहे हो वहां पर भी मिलेगा। इसरो का पैटर्न ही वही है, इसरो करता ही वही है, मेजोरिटी ऑफ केस में इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन उठा के दे देता है भाई। तो आप यदि प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन चीजों को फोकस में रख के अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ। नेक्स्ट यदि देखें, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन दे सकता है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल इसी में आ जाता है, परसेंटेज से क्वेश्चन दे सकता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, हाइट एंड डिस्टेंस से, कितने टॉपिक हैं, बहुत कम टॉपिक हैं। यदि इन टॉपिक को भी आप लोग कर रहे हो जिनका मैथमेटिक्स बहुत वीक है, यानी कि उनको मैथमेटिक्स से डर लगता है, टेक्निकल उनका बहुत अच्छा है, वो मैथमेटिक्स की वजह से रहना है, तो भाई इतना तो आप कर सकते हो। मेंसुरेशन में है क्या, केवल फॉर्मूलाज हैं, यदि फॉर्मूला आप लोग अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से उनको याद कर लेते हो तो इन क्वेश्चन को आराम से आप लोग कर पाओगे, कोई इशू की बात नहीं है। प्रैक्टिकलिटी के लिए जब मेंसुरेशन चैप्टर आप कंप्लीट पढ़ लेते हो उसके बाद में आपको जाना है इसरो के पेपर के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन जो है वहां से ढूंढना है क्वेश्चन को, उनको सॉल्व करना है। आप देखोगे कि भैया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का तो लगभग मैं 60-70% करेक्ट कर रहा हूं, राइट? तो वो चीजों को समझना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल साइंस से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो 10-10% आ रहा है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल आप यदि सही जगह पर फोकस कर लोगे। यदि आप भैया पढ़ रहे हो लूसेंट की बुक, आप पढ़ रहे हो कोई दूसरी बुक, आप पढ़ रहे हो साइंस की स्पेशल इतनी मोटी बुक, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसरो करता है पर्टिकुलर टारगेटेड क्वेश्चन के ऊपर फोकस। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितना भी मैंने एनालाइज किया, इतने सालों से आपको पढ़ा रहा हूं, आप इन चीजों को एक बार खुद एनालाइज करो, क्योंकि जब तक आप मेरी बात मान लोगे उससे काम नहीं चलेगा, आपको जानना पड़ेगा, जानने के लिए थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, मेरी बातों को फोकस करके उन चीजों के ऊपर नजर डालना पड़ेगा, और जब नजर डालोगे वो चीजें आपको दिखाई देना स्टार्ट होंगी, और दिखाई देना स्टार्ट होंगी ना तो आप मेहनत करने से रुक नहीं पाओगे, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन पेपर रखा होगा आने वाला, कि आएगा कहां से, केवल ये चीजें हैं। और टेक्निकल का जो 75-80% क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैंने फंडामेंटल उस तरीके से क्लियर किया है, किसी भी स्टूडेंट से फंडामेंटल पढ़ा है तो वादा है भैया उसका क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि कोर्सेस या फिर मेरे पढ़ाने का तरीका ही वही है। वहां पर आपको डेफिनेटली फायदा नहीं होगा जिन पेपर में क्या किया है उसने, निमी क्वेश्चन बैंक से डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के रख दिए, वहां पे क्या होगा ना, जो रटने वाला बच्चा है ना वो भी नंबर ला रहा होगा और आप भी नंबर ला रहे होगे, तो
वहां उतना फायदा नहीं होगा, लेकिन स्पेशली यदि इसरो की बात करें, यहां पर है समझ का खेल, यहां पर है प्रैक्टिकलिटी को समझने का खेल, मशीनिंग ऑपरेशन को समझने का खेल, जहां पर मैं फिगर में दिखा दिखा के अंदर घुस के कि अब ऐसा होगा, फीड को कटिंग स्पीड से रिलेट करके, सरफेस फिनिश को उन सारी चीजों से रिलेट करके जो बताता हूं, वो एक्चुअल फायदा यहां होता है। और इसरो स्पेशली उसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है जिस टाइप के मैं आप लोगों को कवर कराता हूं। सो आई होप ऑल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी, चाहे वह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, चाहे वह जर्नल साइंस हो, चाहे वह टेक्निकल ट्रेड थ्योरी हो। टेक्निकल ट्रेड थ्योरी में भी स्पेशली यदि देखा जाए तो कुछ ही मेन चैप्टर हैं जहां से वो डीपली क्वेश्चन पूछता है। यदि हम लोग मैकेनिकल ट्रेडों की बात करें, जैसे कि यदि हम लोग बात करें फिटर की, टर्नर की, मशीनिस्ट की, आपके मशीनिंग ऑपरेशन तो आपको करना ही है, उसके अलावा हमारा लिमिट फिट टॉलरेंस, मेटल, हीट ट्रीटमेंट, ये चैप्टर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। मेजरिंग, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स, जितने भी मेजरिंग टूल है, क्योंकि कहीं भी आप प्रैक्टिकल करोगे इनका यूज आपको करना ही है, ये आपको आना ही चाहिए, इनके बारे में डीपली नॉलेज आपको होना ही चाहिए, तो इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो इन चीजों के ऊपर आप लोगों को फोकस करना है। बाकी काफी सारे लोग हैं जो इसरो क्रैश कोर्स 2024 ज्वाइन किए हैं, जो भी लोग इच्छुक हैं आप चाहो तो मेरे साथ में जुड़ के स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे कोर्स अवेलेबल है, या फिर यूट्यूब पर भी मेरी काफी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं जहां पर पूरी की पूरी सीरीज है। मैं बोलता हूं कि आप उनको भी कवर कर लोगे ना, वहां से भी आपका टेक्निकल ना यहां इस लेवल से इस लेवल तक चला जाएगा, ये मेरा वादा है, राइट। तो इन चीजों के ऊपर फोकस करिएगा। सो आई होप ऑल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और इन बातों को आप लोग सीरियस लोगे और इस तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाओगे, डेफिनेटली आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। बस शर्त है कि आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा दोस्त, बिना मेहनत के नहीं होगा, कुछ भी करो मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेस है, आपको भी पता है नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, एप्लीकेंट बहुत हैं, तो आपको आगे निकलना है तो दोनों चीज हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, चीजों को समझ के फोकस के साथ में सही डायरेक्शन में मेहनत करना है। तो उसके लिए आज का दिन मैं आपको देता हूं, आप केवल और केवल एनालाइज करना जितनी भी बातें मैंने बोली है ना, कि वहां पे वो कितनी खरी उतर रही हैं, थोड़ा सा आप अपना भी तो माइंड लगाओ, राइट। वो लगाओगे तो क्या होगा ना, क्लियरिटी आएगी, और क्लियरिटी आएगी ना तो वो क्लियरिटी आपको मेहनत कराएगी, इमोशन आता है ना अंदर से, इमोशन से मोशन आता है, राइट। तो वो चीजों को समझिएगा। सो आई होप ऑल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और इन्फॉर्मेशन मिली है तो एक थम्स अप जरूर करके जाइएगा वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। यदि आप ITI स्टूडेंट्स हैं और टेक्निकल एग्जाम लाइक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे, DRDO, इसरो, NCL की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन की, इनकी मदद से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो।